सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं मनीष सोनी आज आपको 10वीं कक्षा के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो 7.2 पे ऊपर डिपेंड जितने भी फार्मूले थे हम उसके बारे में चर्चा किए और हमने क्या क्या भैया निगमन भी किया। अब क्या होगा, हमने जितने भी फार्मूले वहाँ पर चर्चा किए 7.2 में हम उसका प्रयोग करेंगे और सीखेंगे कैसे हम सूत्रों को क्या करते हैं भैया उपयोग करते हैं अपने स्थान पर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.3 को मिलाने वाला रेखाखंड दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो पहला चीज, दो बिंदुओं को मिलाने से एक क्या बनता है भैया, रेखाखंड बनता है और उन दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे दिए गए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज ये हमारे पास, ठीक है ना, दो बिंदु है, एक मान लेते हैं ए है और एक मान लेते हैं क्या है, बी है। हमने ए को बी से मिला दिया, हमको एक रेखाखंड ए बी प्राप्त हुआ। अब इसके बाद कह रहा है इस बिंदुओं के निर्देशांक -1.7 और 4.3 है, इतना तो समझ में आ गया है। अगला कह रहा है कि को मिलाने वाला रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, इसे विभाजित करता है। तो ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, इतना स्पष्ट नहीं है। तो पहले हम इस चीज़ को स्पष्ट कर लेते हैं कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। तो पहला चीज, हम इसको बाह्यता विभाजन मान लें। अगर जैसे मान लेते हैं एक रेखा ए बी है और इसके बाहर एक बिंदु पी है। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए ए बी की जो माप है वो 2 है और ये जो ए बी है वो 2 है और जो आपका बी पी है मान लेते हैं आपके पास 3 है, सॉरी एक ही मान लेते हैं। तो आप बताइए जो ए पी होगा वो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो बी पी होगा वो कितना आपके पास होगा भैया, जो बी पी होगा वो ऑलरेडी कितना है, 1 है। तो इस कंडीशन में आप बताइए ए पी, ए पी संबंधे जो हमारा बी पी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 1, और यहाँ क्या लिखा है, 2 × 3। स्पष्ट है भैया कि अंतः विभाजन है। अंतः विभाजन है तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है उस रेखा AB को अंतः काट रहा है जिसका दे दिया गया है अनुपात। लिख सकते हैं हम लोग क्या, AP संबंधे PB इक्वल 2 × कितना, 3। मतलब इसको लिख सकते हैं AP बटा PB इक्वल 2/3, इतना हो गया। अब यहाँ से हमें, ठीक है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, हमें इसी बिंदु P का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, बिंदु P का निर्देशांक, चूँकि बिंदु P रेखा ए बी को अंतः विभाजित करता है, अतः बिंदु पी का निर्देशांक, ठीक है ना, निकालने के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है x बराबर m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इसके बाद y इक्वल क्या होता है, m1 y2 m2 y1 / m1 + क्या होता है, m2 होता है, इतना स्पष्ट है। अब क्या होगा, इसके बाद हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सावधानी बरतने के लिए क्या करते हैं, x1 y1 जो भी हम मान लेते हैं, x2 y2 और इसे मान लेते हैं m1 और इसे मान लेते हैं क्या, m2 मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, x इक्वल, ठीक है ना, m1 का मान है 2,
x2 का मान कितना है, 4 है, m2 का मान है 3, x1 का मान कितना है, -1 होल बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 4 × 8 प्लस माइनस 3 × 2 = 5, 8 में से 3 गया 5, 5/5 x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से हमें x का निर्देशांक कितना मिला, x का निर्देशांक x इक्वल कितना मुझे मिला, 1 मिला। इतना समझ में आया ना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है, y इक्वल, ठीक है ना, m1 का मान कितना है आपके पास, m1 है 2, और y2 कितना आपके पास है, -3, m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो इस प्रकार से y इक्वल हो जाएगा 3 × 6, 7 × 21, 3 × 2 = 5, अच्छा 21, ठीक है ना, 21, 11 × 6 = 5, 15 × 6 = 21/5, 5 × 3 = 15, y = 3। तो इस प्रकार से हमें y का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। तो हमने क्या किया, ठीक है ना, इस बिंदु P का निर्देशांक मान लिया x, y है, और इस प्रकार से हमें xy के वैल्यू क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1, 3 होगा, 1, 3 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करिए और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब एक सुन लीजिए, एक बार पुनः, कुछ था वा नहीं इस क्वेश्चन में, था क्या नहीं कि हमको, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स थे, ए और बी सपोज कर लिए, उनको मिला दिए, एक रेखाखंड मिला। इसके बाद एक पॉइंट सपोज किया पी है, जो कि अंतः विभाजन है, और हमें उसी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। तो क्या है भैया कि ए और बी के निर्देशांक दे दिए गए हैं, m1 m2 का मान दे दिया गया है, बचा xy। तो हम फार्मूला तुरंत अप्लाई करेंगे, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 होल बाई m1 प्लस m2 y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 होल बाई m1 प्लस m2। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। आप चलते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं -4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो एक हमारे पास यहाँ नया शब्द आया है जिसका नाम है समत्रिभाजित। अगर हम लोग समत्रिभाजित को समझ जाएं तो क्वेश्चंस लग जाएंगे। समत्रिभाजित का मतलब सम, धन, त्रि, धन, भाजित। मतलब सम माने होता है समान, त्रि माने होता है 3, भाजित का मतलब भागों में। अगर हम लोग किसी रेखा को समान 3 भागों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो उस शब्द को हम एक शब्द नाम दे सकते हैं जिसका नाम होगा समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित समझ में आ गया। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा, पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो आइएगा भैया, चलते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। तो पहले चुपचाप क्या करते हैं कि एक रेखाखंड हम लोग ड्रा कर लेते हैं जिसका नाम सपोज करते हैं ए बी है, और उस बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया गया है 4, -1 और कितना दे दिया गया है -2, -3। अब कह रहा है इसी को समत्रिभाजित, 3 भागों में बांटना है। तो भैया एक भाग हो गया, दो भाग, एक भाग, दो भाग, ये 3 भाग हैं। सपोज करते हैं इस बिंदु का नाम P हो गया, इसका नाम Q हो गया, ठीक है ना। अरे भाई, एक भाग AP हो गया, एक भाग हमारा PQ हो गया, और एक भाग हमारा क्या हो गया, QP। तो इस प्रकार से 3 भाग हुए कि नहीं हुए, और सब आपस में क्या है, बराबर है। मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, उतना ही मान इसका होगा। हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसमें कोई बात बड़ी नहीं होगी। अभी मैं आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो। अब इसको सपोज करते हैं कि ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और ये सपोज करते हैं x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो मुझे ये बताइए भैया, मुझे आप ये बताएं कि
हमारे पास P और Q, ठीक है ना। अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, तो ये भी एक होगा, तो इस प्रकार से पूरा कितना हो जाएगा, तीन। अच्छा मान लेते हैं बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का हमें क्या करना है भैया, निर्देशांक ज्ञात करना है। और सब लोग अंतः विभाजन हैं, तो आप बताइए इतना अगर हमारा एक होगा तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ए पी अगर हमारे पास एक होगा तो आप बताइए पी बी कितना हो जाएगा, जो पी बी होगा वो तीन, पी बी आपका जो होगा एक और एक कितना हो गया, दो हो गया। अच्छा भैया काहे हमने एक और दो लिखा यार, और कुछ लिख सकते थे ना, लेकिन हमने एक और दो काहे लिखा, समत्रिभाजित समान तीन भागों में बांट रहा है, तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो तीन बराबर भागों में बट गया ना, जितना हिस्सा इसका उतना हिस्सा इसका उतना हिस्सा इसका हो गया, या दो चार छः हो जाएगा, मतलब ये भी दो ये भी दो ये भी दो, कुछ ना कुछ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मानना पड़ेगा जो तीनों पार्ट्स के लिए इक्वल वैल्यू होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समत्रिभाजित कर रहा है। अब आइएगा, तो इस प्रकार से हमें मिला क्या, ए पी ए पी संबंधे पी बी इक्वल एक संबंधे कितना मुझे मिला, दो मिला। तो इस प्रकार से भैया लोग ए पी और पी बी का रेशियो हमें मिल गया, इसे आप मान लीजिए क्या यम वन, और इसे मान लीजिए क्या आप लोग यम टू, और ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो हो ही गए हैं। अब चलते हैं फार्मूला, अंतः विभाजन का लगाते हैं फार्मूला, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है सबको पता है, ठीक है ना, एक्स इक्वल यम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन होल बाई यम वन प्लस यम टू, इसके बाद वाई इक्वल यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन होल बाई यम वन प्लस कितना हो जाएगा, यम टू हो जाएगा। अब हम लोग सभी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आंसर तुरंत हम लोग गेट कर जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल यम वन का मान कितना है, यम वन है वन। अच्छा भैया x2 कितना है, x2 है माइनस टू, एम टू कितना है दो, x1 कितना है फोर, और होल बाई ठीक है ना वन प्लस टू हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू चार दुनी आठ, दो एक तीन, आठ में से दो गया छः, बटा तीन, तीन दुना छः, इस प्रकार से x बराबर कितना मुझे मिला, टू मिला, इतना हो गया। अब ऐसे ही हम लोग y के वैल्यू को भी प्राप्त करेंगे, तो चलते हैं y इक्वल यम वन कितना है आपके पास, यम वन आपके पास है वन, y2 कितना आपके पास है माइनस थ्री, एम टू कितना आपके पास है टू, y1 कितना आपके पास है माइनस वन होल बाई ठीक है ना वन प्लस टू, तो y इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, और टू वन थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, तो इस प्रकार से y का वैल्यू हमें मिला माइनस फाइव बाई थ्री। अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, दो कामा माइनस पाँच बटा तीन होगा, इतना हमने सॉल्व किया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, Q के वैल्यू को भी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से बिंदु P का जो निर्देशांक उसको हम लोग लिख दे रहे हैं, दो कामा माइनस पाँच बटा तीन। अब इसी प्रकार से Q का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक तो उसमें भी अंतः का लगेगा फार्मूला। अब देखिए जो बिंदु Q है उसका निर्देशांक हम लोग दो प्रकार से भैया ज्ञात कर सकते हैं, वो दो प्रकार क्या होंगे, पहला चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो Q होगा वो PB का मिड पॉइंट होगा, होगा ना, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, मतलब M1 और M2 दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो बिंदु Q का निर्देशांक दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए दोनों हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग अंतः विभाजन का ही सूत्र अप्लाई करते हैं। तो इस बिंदु Q का जब निर्देशांक निकालेंगे तो रेशियो बनेगा आपका क्या, AQ संबंधे QB
जो इतना है एक एक कितना हो जाएगा, दो संबंधे एक। तो इस प्रकार से हमारा जो यमोन होगा वो हो जाएगा दो, और जो हमारा यम टू होगा वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हैं, यक्स बराबर यम वन यक्स टू, यम टू यक्स वन होल बाई यम वन प्लस यम टू हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो हो जाएगा क्या, एक्स इक्वल, ठीक है ना, यम वन, एम वन का मतलब टू, एक्स टू का मतलब माइनस टू, एम टू, एम टू का मतलब वन, और एक्स वन का मतलब है फोर, बाई में टू प्लस वन, ठीक है ना, ये हो गया एक्स इक्वल, दो दूनी चार, फिर फोर और दो एक तीन। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, जीरो बाई थ्री, एक्स इक्वल कितना मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। अब चलते हैं वाई के भी निर्देशांक को, वाई का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। y इक्वल एम वन वाई टू एम टू वाई वन होल बाई यम वन प्लस यम टू। तो y इक्वल, ठीक है ना, एम वन कितना आपके पास है, यम वन आपके पास है भैया टू। अच्छा वाई टू कितना है, वाई टू है माइनस थ्री, यम टू कितना है वन, और वाई वन कितना आपके पास है, माइनस वन है। इसके बाद में यम वन प्लस यम टू, टू प्लस वन, y इक्वल माइनस सिक्स, प्लस माइनस माइनस दो एक तीन, तो माइनस सेवन बाई कितना हो जाएगा, थ्री। y इक्वल हमें मिला माइनस सेवन बाई थ्री। इस प्रकार से भैया लोग हमने q का भी निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अतः बिंदु q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हो जाएगा जीरो कामा माइनस सेवन बाई थ्री हो जाएगा। तो हमने q का भी निर्देशांक फाइंड आउट कर लिया, जीरो कामा माइनस सेवन बाई थ्री मुझे मिला। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हमने एक मेथड से पॉइंट q के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग सेकंड मेथड फॉलो करते हैं। वो सेकंड मेथड क्या होगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, जो q होगा वो लाइन PB आपके सामने दिख रहा है, एक लाइन है PB, और उस PB का क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। काहे मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितना हमारा PQ है उतना ही हमारा क्या है, QB है। तो इस प्रकार से Q हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। तो चलते हैं सेकंड मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो आइएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के लिए, भाई आ रहा है ना, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए, ठीक है ना, सूत्र क्या है आपके पास, एक फार्मूला है x इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। तो इस प्रकार से बच्चा लोग, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन, और ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू। तो x1 कितना हमारे पास है 2, प्लस x2 कितना है माइनस 2, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस बाई इतना, सॉरी, ठीक है ना, 2 हल करेंगे तो x इक्वल कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं y की भी वैल्यू को। तो इसी प्रकार y इक्वल वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होता है। तो y1 का वैल्यू कितना है भैया, y1 है माइनस फाइव बाई थ्री, और y2 कितना, माइनस थ्री, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा कितना भैया, बाई टू हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा आपके पास पाँच में से पाँच तीन आठ, कितना हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, माइनस फाइव बाई थ्री माइनस थ्री, सही है। अब यहाँ से क्या होगा, हर तो इक्वल नहीं है, तो पाँच करने में पाँच, और तीन त्रिक्का नौ हो जाएगा, बाई तीन दूना छः, नौ पाँच चौदह बटा छः। इसको थोड़ा सा अगर साल्व कर ले तो दो सत्ते चौदह, दो तीन छः, माइनस सेवन बाई थ्री। तो बच्चा लोग, हम लोग दो मेथड से सॉल्व किए, फाइंड आउट किए कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है ना, हमने पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया, वो भी टू मेथड से जो कि इक्वल आ रहा है। अब आपको समझ में तो आया ही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में, तब तक नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं, थोड़ा सा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है, तो इसलिए आप लोग किताब का सारा ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसका ये फिगर दे दिया गया है, ठीक है ना, इसको बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट भैया ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थ्री को पढ़ते हैं। कर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी में,
तो चलते हैं, पहले फिगर हम बना लेते हैं हम भी थोड़ा सा, केवल केवल औपचारिकता पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिगर ड्रा कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रा कर लिया, बस वैसे काम चलाओ के लिए। आपका फिगर रियल में तो ये है, ठीक है ना, इस फिगर को आप लोग ध्यान दीजिएगा बार बार। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी है। ए बी सी डी क्या करते हैं भैया, ए बी सी डी एक आयताकार खेल का मैदान है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूने से एक रेखा बना लेते हैं, ठीक है ना, लाइन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, कुछ है? ध्यान दे रहा क्या कहते हैं, कह रहा कि मैदान ए बी सी डी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर का इंटरवल है, अंतराल है 1 मीटर का। इसके बाद क्या कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, कह रहा है कि एडी के अनुदिश, ये आपके पास एडी के अनुदिश सब गमले दिखाई दिए हैं जिसमें से ये फूल पत्तियां बनी हुई हैं। तो क्या कह रहा है कि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले हैं भैया, 100 गमले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, अब निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, ठीक है ना, निहारिका एक लड़की है, वो कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी क्या करती है, दौड़ती है। अब एक लड़की और है, कर और वहाँ एक हरा झंडा क्या करती है, गाड़ देती है। प्रीति आठवीं पंक्ति में और यह दूसरी पंक्ति में है। अब प्रीति क्या कर रही है भैया, आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर क्या करती है, दूरी दौड़ती है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो भैया दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने मान लिया, ये हमारी दूसरी पंक्ति में निहारिका है और ये आठवीं पंक्ति में हमने मान लिया कि प्रीति है। तो यही कह रहा है कि हमें दोनों झंडों, एक हमारे पास लाल झंडा है और एक कोई झंडा और है यार, कौन झंडा भैया है, एक लाल झंडा है, एक हरा झंडा है। तो कह रहा हरे और लाल झंडे के बीच की हमें दूरी फाइंड आउट करना है। तो भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। तो पहला नंबर, इस बिंदु जो ए का निर्देशांक होगा, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है ना, ये एक्स पर, ये आपका जो ए बी होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो ए डी होगा वो आई एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी गए हैं, 2 गए हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक 2। अब ध्यान दीजिएगा, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो एक में कितना है, 100। तो इस कंडीशन में 100/ कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25, 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी का भी निर्देशांक फाइंड आउट कर लेते हैं। बिंदु बी का निर्देशांक, तो बिंदु बी का निर्देशांक, ठीक है ना, 8, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो 100/ कितना हो जाएगा, 5। काहे, 1 मीटर के अंतराल पर 100 गमले लगे हुए हैं, 100 से 100/5, 5 × 5 = 100। इस प्रकार से 8, कितना मुझे मिला, 20 मिला। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो 2, 25 है भैया, और जो बिंदु बी का निर्देशांक है वो 8, कितना है, 20 है। हमें क्या करना है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जिसका फार्मूला होता है d√(x2 − x1)² + y2 − y1)²। तो d बराबर आपको कितना मिलेगा, चलते हैं ये मान लेते हैं x1 हो गया और ये मान लेते हैं y1 हो गया और ये मान लेते हैं x2 हो गया और ये मान लेते हैं कितना हो गया, y2 हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, x2 का वैल्यू कितना है, 8 − 2² + y2 कितना है, 20 − 25² 8 में से 2 गया 6, 6 = 36।
25 में से 20 गया, माइनस 5 माइनस का स्क्वायर प्लस 55 25, तो इस प्रकार से डी बराबर 6 5 11 3 5 1 61। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ भैया, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें मिला कितना, रूट में 61 मिला। अब चलते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रसिम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, एक लड़की और जिसका नाम रसिम, रेशमा मान लेते हैं भैया, ये यही झंडा गाड़ने चाहती है, ये मान लेते हैं पीला झंडा है। तो यही कह रहा है कि यदि रसिम को एक नीला झंडा, सॉरी यहाँ नीला झंडा गाड़ना है इसे, तो नीला हो पीला हो उससे हमें क्या करना है। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि नीला दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में, मतलब बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो एक काम करते हैं भैया, इस पॉइंट सी मान लेते हैं, इस पॉइंट सी का आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू होता है, 2 × 8 कितना हो जाएगा 10/2 5, मतलब सी x के वैल्यू 5 दिया। इसके बाद में y1 प्लस y2 बाई कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45/2, मतलब 22.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें उसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है 5, 22, तो भैया यही इसको गाड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा भैया, कह रहा कि बिंदु, ठीक है ना, इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए फिगर ड्रा कर लिया जाए। ये मान लेते हैं ये हो गया, ये मान लेते हैं बी हो गया, इसका निर्देशांक -3, 10 है और इसका निर्देशांक 6, 8 है, ठीक है ना, -1, 6 - 1 कितना हो गया 6, किस अनुपात में काटता है। तो मान लिया, ठीक है ना, मान लिया M1 संबंधी M2 अनुपात में विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं। X बराबर क्या होता है, X2 + M2 X1 होल बाई M1 प्लस क्या होता भैया, M2 होता है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, X=M1 का मान कितना है, M1 अज्ञात है, चलिए इसका नामकरण कर दें, X1 Y1 X2 Y2 X, और ये कितना हो गया, Y हो गया। तो X का वैल्यू कितना है, -1 है, M1 का मान अज्ञात है, X2 का मान कितना है, 6 है, M2 कितना है, अज्ञात है, X1 कितना है, -3 है, M1 प्लस क्या हो गया भैया, M2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा -M1 - M2 हो जाएगा, 6M1 - 3M2 हो जाएगा, M1 एक साथ, M2 एक साथ, तो हो जाएगा -M1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6M1 हो जाएगा, -3M2 उधर जाएगा तो +M2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -7M1 हो जाएगा, -7M1 हल करने पर भाई, और इसके बाद में -2M2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, M1/M2 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, इसका मतलब M1 संबंधी M2 = 2 संबंधी कितना होगा, 7 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना, अर्थात इसे 2 और 7 के रेशियो में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, करा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो भैया लोग कोई चिंता की बात नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पता है कि x अक्ष के धन दिशा में है कि ऋण दिशा में होगा। तो चलते हैं, एक फिगर अगर बनाना चाहें तो बना लिया जाए। अब आइए 1, -5, यक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, मतलब ये होगा फोर्थ में, तो 1 और 5 सपोज करते हैं, ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना,
सॉरी इस पर एक जाना है और वाई पर पाँच, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसका जो निर्देशांक यहाँ आएगा, ये मान लेते हैं बिंदु ये हो गया और इसका निर्देशांक कितना है, 1, -5 है। फिर -4, -5, इसका ये मतलब है भैया कि x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड में होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसका ये मतलब होगा कि यहाँ कहीं हमारा पॉइंट होगा। तो इसको यहाँ कहीं मान लेते हैं बिंदु B। अब इसका निर्देशांक कितना है, -4, -5, ये हो गया। अब इसको मिला दिया जाए, इसको मिलाने पर सॉरी चलिए यही मान लेते हैं। अब कहीं ना कहीं काट रहा है इस अक्ष को, तो थोड़ा सा फिगर सही से ड्रा नहीं हो पाया, मान लेते हैं कुछ ऐसे है, ठीक है ना। अब यक्ष अक्ष को कहाँ काट रहा है, यहाँ कहीं काट रहा है, तो यक्ष अक्ष पर वाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, चूँकि रेखाखंड ए बी यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, अतः मान लिया एक्स अक्ष पर उस बिंदु को सी मान लेते हैं, सी का निर्देशांक, अतः एक्स अक्ष पर उस बिंदु सी का निर्देशांक x, 0 होगा। काहे होगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो भैया लोग यहां से क्या होगा, ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और x, 0 मतलब ये हो गया x और ये हो गया कितना आपके पास, y हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ हमें क्या कह रहा है कि मिलाने वाला रेखा वह अनुपात ज्ञात करना, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करते हैं इतना हमारा, ठीक है ना, m1 हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, कभी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, अगर यक्ष अक्ष को करेगा तो वाई का वैल्यू 0 होगा, अगर वाई अक्ष पर करेगा तो यक्ष का वैल्यू 0 होगा, और 0 वाले को ही मान करके लगाएंगे। जैसे हमको सूत्र पता है यक्ष बराबर m1x2+m2x1 होल बाई m1+m2, इसके बाद y=m1y2+m2y1 होल बाई m1+m2। हमारे कहने का मतलब ये है भैया कि चाहे यक्स हो चाहे वाई हो, दोनों के लिए ही m1 m2 इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि यक्स के लिए m1 और होगा, वाई के लिए m1 कुछ और होगा, नहीं, दोनों के लिए m1 m2 इक्वल होंगे। बात ये रहा कि हमें वाई का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू कितना पता है, 0 पता है, तो इसलिए हम वाई के वैल्यू से ही हम m1 m2 के मान को ज्ञात करते हैं। तो आइएगा, वाई इक्वल कितना होता है, m1 y2 m2 y1 होल बाई m1 प्लस m2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज, y का वैल्यू कितना है, 0 है, m1 अज्ञात है, अच्छा y2 कितना है, y2 आपके पास 5 है, प्लस m2 कितना है, अज्ञात है, अच्छा y1 कितना है, -5 है, होल बाई m1 प्लस m2। ये भैया हाई देखिए, m1 प्लस m2 का डिवाइड है, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ब्रह्मांड से कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, मतलब 0 × m1 then m2, इस प्रकार से मिलेगा 5m1 -5m2, दिस एम्प्लाइज 5m1, इसका वैल्यू पूरा पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ से माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5m2 हो जाएगा। अब मुझे m1/m2 ज्ञात करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/5, मतलब एक संबंधे एक के अनुपात में क्या करता भैया, उसको डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट कंडीशन थे। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो क्या करना भैया, यक्ष के वैल्यू को ही ज्ञात करना, वाई तो ऑलरेडी हमारा ज्ञात है। तो आइएगा केस नंबर सेकंड, x=m1x2+m2x1 होल बाई m1 प्लस m2, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा।
तो यहाँ से क्या होगा, x m1 भी 1 है, x2 कितना है आपके पास माइनस 4 है, m2 भी 1 है, x1 कितना आपके पास है 1, और 1 में 1 ऐड कर दीजिए तो x इक्वल माइनस 4 प्लस 1 1 2 माइनस 5 माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से x के वैल्यू हमें मिलेंगे माइनस 3 बाई 2, और दूसरा वैल्यू कितना हमें मिल जाएगा भैया, 0 मिल जाएगा। तो चलते हैं, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस बिंदु C का निर्देशांक -3, -3, -2, 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के फुल चांसेस हैं, और ये आएगा तो कम से कम 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्लास 9th में जाएंगे। क्लास 9th में हम चतुर्भुज पढ़े हैं, चतुर्भुज के प्रकार पढ़े हैं। उन चतुर्भुज के प्रकार में एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज यहाँ आया जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के अगर प्रॉपर्टी हमें पते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहला चीज़ हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, और उसके बाद तब हम आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के यहाँ कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो होंगे। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी और ये डी। तो इसके निर्देशांक दे दिया गया है 1, 2, फिर उसके बाद में 4, y, फिर उसके बाद में दे दिया गया आपको C का x, 6 और फिर इसका दे दिया गया 3, 5। आप क्या करिए, इसके डायगोनियल मतलब इसके विकर्ण को मिला दीजिए और यहाँ एक पॉइंट कर दीजिए वो। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ हम फॉलो करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये और ये, ये सब आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट वो होगा इस लाइन AC और उस लाइन BD के क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे प्रॉपर्टी से भैया समांतर चतुर्भुज के, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटते हैं। अस्पष्ट बिंदु वो क्या होगा, हमारा मध्य बिंदु होगा। तो ध्यान दीजिएगा, AC के लिए भी मध्य बिंदु वो होगा, BD के लिए भी मध्य बिंदु वो होगा। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे x के वैल्यू हैं, ये हमारे, ठीक है ना, x1 मान लेते हैं, ये x2, ठीक है ना, ये मान लेते हैं x1 है और ये मान लेते हैं x2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मिड पॉइंट है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि BD, ठीक है ना, चूंकि बिंदु वो BD का मध्य बिंदु है, अतः x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, तो 4 प्लस 3 7, 7 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से 7 बाई कितना हो गया भैया, 2 हो गया। अब y का निकालते हैं निर्देशांक। तो पहला नंबर y में ऑलरेडी एक y अज्ञात ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को ज्ञात करेंगे। लिख देंगे कि बिंदु O AC का भी मध्य बिंदु है, अतः y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2, तो 6 और 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 डिवाइड होगा कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भैया लोग इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु, ठीक है ना, बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, 7/2, 4 निकाला। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हमें x और y के वैल्यू को क्या करना भैया, ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ से हमारा ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, अननोन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, चूंकि बिंदु O AC का क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु O AC तथा BD का मध्य बिंदु है, तो
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये x डैश इक्वल x1 प्लस x2 बाई टू, और ये मान लेते हैं x डैश है, 7 बाई कितना हो गया 2 हो गया, x1 कितना है 1, x2 कितना है x बाई टू, कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल 7, x इक्वल हो जाएगा 6, तो x के वैल्यू को हमने 6 फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, तो हो जाएगा 4 इक्वल 5 प्लस वाई बाई टू हो जाएगा ना, तो यहाँ से 4 दुनी कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस वाई, दिस एम्प्लाइज y इक्वल 3। इस प्रकार से भैया हमने x और y के वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु ए का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक दे दिया गया है, और बिंदु बी का निर्देशांक भी दे दिया गया है, हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना, कोई सोचने समझने की बात नहीं है। पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसकी व्यास होती है, व्यास का नाम दे दिया गया है ए बी। चलिए भैया ए बी हो गया, और ये हमारा हो गया भैया सेंटर, सेंटर माने क्या होता है केंद्र, और केंद्र ठीक है ना, ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, वो होता है व्यास, ठीक है ना, यही इसका मध्य बिंदु होता है केंद्र। अब ए का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स कामा वाई है, ठीक है ना, बी का निर्देशांक दे दिया गया है कितना 1.4, और केंद्र का है 2.-3। ये भैया लोग एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं क्या एक्स वन, इसे मान लेते हैं वाई वन, इसे मान लेते हैं एक्स टू, इसे मान लेते हैं वाई टू। तो लिखेंगे चूँकि बिंदु, ठीक है ना, ओ व्यास ए बी का केंद्र, वो केंद्र वो व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। अब एक्स इक्वल फार्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो यहाँ से ठीक है ना एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स ही मान चलो एक्स वन, ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, रन इसको, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, चलो भैया एक्स वन ही मान लेते हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब यहाँ से क्या होगा एक्स वन की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये हमारे पास क्या है इसको यक्स ही मान लेते हैं, यक्स की वैल्यू यक्स, एक्स टू की वैल्यू 1/2, 2 × 4 एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या होगा, वाई इक्वल हो जाएगा क्या वाई वन प्लस वाई टू वाई टू, तो वाई की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास, वाई की वैल्यू है वाई वन मान लेते हैं, वाई वन की वैल्यू -3 है। इसके बाद में y1, ठीक है ना, y1 ना मान करके y मान लेते हैं, y प्लस y2 कितना आपके पास है 4/2, 3 × 6 -6 y प्लस 4, तो y इक्वल हो जाएगा कितना आपके पास -10। इस प्रकार से भैया जो हमारे बिंदु ये होंगे उसका निर्देशांक हो जाएगा कितना 3-10। नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान दीजिएगा अगला जो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग एक रेखा ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा, ए का निर्देशांक कितना है भैया, ए का निर्देशांक है -2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना भैया 2-4 है। बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, कह रहा भैया ए पी बटा ए पी इक्वल 3/7 ए बी, ट्रांसफर अगर कर लें तो ए पी बाई ए बी इक्वल 3/7, मतलब जो हमारा ए पी का वैल्यू है वो 3 है, यहाँ मान लेते हैं P हो गया तो ए पी 3 है, और पूरा ए बी कितना है, ए बी का लेंथ है 7, तो इतना 3 हो गया, तो इतना कितना हो जाएगा 4। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमने आपको बता दिया कि जो ए पी संबंधित पी वी होगा वो 3/4 होगा, मतलब ये एम वन हो जाएगा और ये एम टू हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा,
इसका एक्स कामा वाई मान लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल बाय m1 प्लस m2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर y इक्वल y1 प्लस y2 सॉरी m इक्वल m y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 होल बाय m1 प्लस m2। आप क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे, एट लास्ट यू गेट पॉइंट ऑफ पी कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भैया, क्वेश्चन नंबर यही 9 आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, जिसके पास किताब नहीं होगा वो प्ले स्टोर से जाकर के एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ या ऑल सब्जेक्ट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है। ठीक है ना, एक रेखाखंड हमारे पास ए बी है। अब ए बी का हमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है -2, 2 और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, कितना भैया 8 है। कह रहा इस लाइन ए बी को 4 भागों में बांटना है। कई भागों में बांटना भैया, 4 भागों में। तो चलिए 4 भागों में बांट दिया जाए। भाग माने हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, अपने आप कितना हो गया भैया, चौथा हिस्सा हो गया। तो कह रहा है कि करने वाले बिंदुओं के हमें क्या निकालना, निर्देशांक। ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q, ये मान लेते हैं R। ठीक है ना, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, हमें P, Q, R के कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। कोई दुखी की बात नहीं होगी, जिस प्रकार से सम त्रिभाजित था उसी प्रकार से 4 भाग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक होगा भाई, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा। तो जब आप पॉइंट पी के बारे में चर्चा करेंगे भैया, ठीक है ना, पॉइंट पी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो ए पी होगा और संबंधी कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अगर ए पी एक होगा तो ये 1, 2, 3 एक संबंधित 3, तो उस कंडीशन में ये m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भैया आपके पास, m2 हो जाएगा। तो m1 m2 पता है, x1 x2 y1 y2 ये भी मुझे पता, सॉरी x1 ठीक है ना, x1 y1 x2 y2। तो हमें m1 भी पता, m2 भी पता, x1 भी पता, y1 x2 y2 भी पता। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूला x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 होल बाय m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 होल बाय m1 प्लस m2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो इस प्रकार से भैया हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं पॉइंट Q। तो पॉइंट Q का जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो जो आपका बनेगा वो AQ संबंधे बनेगा, क्या भैया, QB बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक एक कितना हो जाएगा, 2। ए भैया दोनों का रेशियो इक्वल है, मतलब इसको 2 टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसे m1 m2 मान करके लगाइए, और या तो इस पॉइंट क्यू को आप मान लीजिएगा मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि इतना भी 2 है, इतना भी 2 है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसके बाद आप क्या करेंगे, एट लास्ट आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, किसका, पॉइंट आर का। जब पॉइंट आर का निकालेंगे तो रेशियो जो आपका बनेगा ए आर संबंधी क्या बनेगा, आर बी बनेगा। 1, 2, 1, 3, तो 3 संबंधी कितना हो जाएगा, 1, तो m1 कितना हो जाएगा भैया, 3, और m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारे 8 भी क्या हो गए, कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार होता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या भैया करेंगे, एक हमारे पास समचतुर्भुज है, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में मान लेते हैं ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए का निर्देशांक पता, बी का पता, सी का पता, डी का पता है। हमें क्या करना है, इसके एरिया को फाइंड आउट करना है। तो किताब में दे दिया गया हिंट के तौर पर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आप भैया क्या करेंगे, पहला काम विकर्ण ज्ञात करेंगे। AC कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। बात समझ में आ रहा ना,
वही तो इसका माप होगा, जो दूरी होगा वही एसी का माप होगा। तो आपको पता, ये भी पता है, सी भी पता है, तो क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भैया, डी इक्वल होल रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप ठीक है ना मेजर कर सकते हैं डायगोनियल एसी को। इसके बाद क्या करेंगे, इसके डायगोनियल को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बिकर एसी गुना कितना हो जाएगा भैया आपके पास बीडी, आप ये करके ज्ञात कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया क्या आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर किताब में आ रहा 24 वर्ग इकाई। हाँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा भैया कि समझ में नहीं आया इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको क्या करूँगा वो चीज़ सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपका वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हमारा एक सिद्धांत है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस आपका केवल और केवल एक उत्तरदायित्व बनता है, कहीं समस्या होती है तो आप हमें इंडिकेट करिए, वो इंडिकेट का माध्यम होगा कमेंट, आप कमेंट करिए, हम कमेंट देखते रहते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम होती तो मैं सॉल्व कर देता हूँ भैया। तब तक के लिए सबसे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी होगा, जब भी वीडियो देख रहे हो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्कार।